इन्फॉर्मेशन ये मिला कि आपका 75 रहेगा ना गेन परसेंटेज, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और आपने एग्जाम दे रखा है, अब आप क्या है तो एग्जाम जो वहाँ का मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि आप ना इसका कोई एक इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर दो किसी एक सब्जेक्ट का, और आपके पास चांस है कि 70 और 75 ला दो, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जो अब आपको जो यहाँ पर मार्क्स सपोर्ट, यहाँ पर कुछ नंबर आपने मार्क्स लिया हुआ है, किसी एक मार्क्स को बढ़ा देंगे हम लोग। जब बढ़ा देंगे तो उसको हम लोग करते हैं गोल सेट से। अब यहाँ पे हमारा है डाटा टेबल। डाटा टेबल को जानने के पहले आपको ना सबसे पहले जानना होगा पीएमटी, व्हाट इज द पीएमटी। पीएमटी इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पेमेंट ऑफ द लोन अमाउंट। हाँ, ये फॉर्मूला होता है जो क्या करता है, लोन अमाउंट की पेमेंट को ये फाइंड आउट करता है या कैलकुलेट करता है। इसमें क्या उसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले होता है यहाँ पे रेट है ना, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं टर्म, उसको पूरा लिखते हैं यहाँ पर रेट, रेट टर्म, और वहाँ पे नहीं लिखा है बट उसका जो बेसिक वही है टर्म है, और नेक्स्ट है पीवी, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। ये आपको एंटर करना होता है और वो हमारा पीएमटी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लोन अमाउंट है, यहाँ देख रहे हैं लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट जैसे आपका ना 1 लाख का है, 1 लाख का लोन अमाउंट है। अब जो रेट है, ये जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है ये आपका है 5%, और जो टर्म है, टर्म मीन्स होता है, टर्म मीन्स नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने का रहेगा। तो टर्म जैसे आपका ईयरली है जो भी है, मान लीजिए आपका टर्म है मंथली लेने का आपको ना, ये 20 मंथ में हमको, अब ये कह रहा है हमारा यहाँ पे निकालना इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं या उसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, ईएमआई, गुड, उसको बोलते हैं ईएमआई। कितना, कोई ये कह रहा है कि ये कोई एक पर्सन है जिन्होंने बैंक से 1 लाख का लोन लिया रखा है, या आप उसको रख सकते हो किसी प्रोडक्ट पर रख सकते हो, है ना, उसका आपने कुछ पेड कर दिया है, 1 लाख उस पर रह गया आपका लोन अमाउंट रह गया। अब इस 1 लाख को 5% के रेट से देना है और 20 महीने में देना है, तो हर एक महीना में वो पर्सन कितना अमाउंट देगा कि 20 महीने जाते जाते आपका वो पेमेंट फुल पेमेंट हो जाएगा विथ 5% इंटरेस्ट। तो ये आप हमको अगर फाइंड आउट करना होता है तो मैनुअली अगर आप करेंगे तो आप इसका ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलने के बाद उसको आप डिवाइड करोगे 20 से, तो ये बहुत बड़ा बनेगा ना, आपको हर 20 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, 20 टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि जैसे ये 10,000 हुआ, सॉरी 1 लाख है, तो 1 लाख का मान लीजिए कि आपका 20 बार में, मान लीजिए 1,000 रुपये हैं, 5,500 रुपये हैं, 1 लाख है तो 20-25,000 मान लीजिए आपका 20 है 20-25,000, चलिए मान लीजिए 1,000 रुपया हो गया है। अब 1,000 ये है तो इसमें इंटरेस्ट भी होगा 2 रुपये या जो भी हो, मान लीजिए 10 रुपया हो गया, तो आपका टोटल हो गया 1,010 रुपये हो गया, 1,010 रुपये हो गया जी, ठीक है, 10,010 रुपये हो गया, 1,2 ठीक है, 1,010 रुपये हो गया। अब ये जब 10 रुपया, 1,000 तो मान लीजिए आपको इंटरेस्ट हो गया, लेकिन ये 10 रुपया क्या हुआ, 10 रुपया ये 1 लाख में 10 घट गया, माइनस हो गया ना, ये जो आएगा ये आपका 9,09,990 रुपया आएगा, तब 9,09,090 रुपये पे ना इंटरेस्ट लगेगा, है कि नहीं, क्योंकि आप 10 रुपया दे चुके हैं तो दिए हुए धन पे तो इंटरेस्ट लगना नहीं है, नहीं तो फिर आपको 1 लाख पर देते रहोगे बार बार और इंटरेस्ट आपका अमाउंट वही रहेगा। लेकिन जो अमाउंट हमने दे रखा है, क्योंकि ये जो हमको दोनों हमको देना पड़ेगा, जैसे अगर सिंपल सा लेते हैं इसको, अगर 1 लाख का 10% आप लेते हैं तो 1,000 रुपया हुआ, 1 लाख का 10% लेते हो तो आप 1,000 रुपया हुआ, ठीक है। तो ये 1,000 रुपया हमें 20 बार में देना है, तो पहले आप 1 लाख को 20 बार से डिवाइड करोगे, है कि नहीं, फिर ये 1,000 को भी आप 20 बार में डिवाइड करोगे, जो अमाउंट इसका आएगा ये कट जाएगा, 2×5=10 हो गया, ये मान लिया हो गया 5,000, ठीक, 1, 2, 3, 5,000 हो जाएगी, ये आपका 50 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये 5,050 ये जाएगा, 5,050 रुपये हो जाएंगे। अब ये 5,010 का देते, 50 रुपया जो मेरा जो आप दे रहे हो, ये 50 रुपये, सॉरी जो आप, हाँ जो आप ये दे रहे हैं, ये अमाउंट जो 5,000 दे रहे हो आप, ये 5,000 इसी 1 लाख में सर कम हो रहा है, हर बार कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट हम दे रखे हैं उस पर हमको इंटरेस्ट नहीं देना होता है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। और एक्सेल में आपको एक दे रखा है, यहाँ आपको आना है, ये हमको फाइंड आउट करना है, सब आप सबमिट, ये आपका ए है
और ये वाला कॉलम आपका बी है, तो ये कॉलम और ये बी कॉलम मंथ यहाँ से हटा देंगे, इसलिए हटा देंगे क्योंकि ये नॉन वेरिएबल हो जाएगा ना ये, है ना, क्योंकि जो आप कोई भी अगर दूसरा लगा देते हो आप कोई भी दूसरा अगर वेरिएबल लगा कर नॉन वेरिएबल, ये नॉन वेरिएबल बन जाएगा, इसलिए सबको हटा देंगे। अब यहाँ आना ये ए है, ये बी है, ये आपका वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा और ये फोर होगा। अब हमको यहाँ पर निकालना है कि कितना उसका इंस्टॉलमेंट बनेगा, तो मैं इसको करूँगा इक्वल टू पी एम टी फॉर्मूला लगाऊंगा। फिर उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रेट है तो इसको हम रेट को डाल देंगे, ठीक परसेंटेज ही लगाएंगे, है ना, या आपको ऐसा नहीं करिएगा गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, बी इसका सिलेक्ट्रेस क्या होगा, बी टू इसको ले लेते हैं इसके अंदर, मान लीजिए आपका ये हो गया ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बी हो गया और ये टू हो गया, तो इसको बी टू लेंगे, सेम रेफरेंस लेंगे, क्लियर हुआ। लेकिन आप ये देख रहे हो ना, ये परसेंटेज है जो एनुअल है, हम लोग मतलब होता है एक साल के लिए है, सौ रुपए पे 5% एक साल के लिए, और हमको कैसे देना, ये मंथली है हमारा, ये 20 महीनों में देना है, तो मंथली है तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, तो मंथली बन जाएगा, है कि नहीं। कोई भी इंटरेस्ट रेट हो या कोई भी वैल्यू है वो अगर वो मंथ ईयरली है उसको हम 12 से डिवाइड क्यों करें, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, उसको 12 से वो 12 बार डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको हम 12 डिवाइड कर लेंगे। देन आप उसके बाद आपको देना है टर्म, टर्म क्या है 20 है, ये 20 मंथ लिख लेंगे आप, सॉरी 20 मंथ नहीं लिखेंगे, इसका भी सेल्फ एड्रेस लिखेंगे, जैसे बी थ्री या लिखेंगे बी थ्री कॉमा। अब उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर लिखेंगे प्रोजेक्ट वैल्यू पी वी, है ना, पी वी लिखेंगे, पी वी कितना हमारा है बी वन में है, इसको लिखेंगे आप बी वन लिखेंगे, इतना करके आप एंटर करेंगे, ये आपका यहाँ पे जो इसी सेल के अंदर आपका आ जाएगा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, हर महीने आपको कितना पेमेंट करना होगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग इसी प्रोजेक्ट में करेंगे, लेकिन इसके पहले एक पेमेंट और करेंगे, ये समझ में आ गया आपको ना, इसमें कर दिया कि ये इसका यहाँ पे यूज है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको वो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे टेबल पे, टेबल जानते कैसे होता है ना, टू वन जै टू, टू टू जै फोर, फिर इधर उधर थ्री का होता है, है ना, ये टेन तक होता है, ये भी टेन तक ऐसे ही होता है, ठीक। एक होता है रो और एक होता है कॉलम, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, है ना, जैसे रो हो गया, इस रो में ये वन हो गया, टू हो गया, टू वन टू टू हो जाएगा, ये टू जै टू टू फोर हो जाएगा, ऐसे होता है। इसमें एक चीज देख रहे कॉमन होगा ना, जैसे यहाँ कॉमन हो वैसे यहाँ भी कॉमन, अभी इसको अपन दिमाग में रखे रहिए, इसको दिमाग में रखे रहिए। अब हम लोग आते हैं जो आज हमको पढ़ना है, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि इन सब का यहाँ पे यूज है, इन सब का यहाँ पे यूज है, तो आप ये समझ गए पहले। और टेबल का भी आप उसका फंडा जानते हैं, आप टेबल क्या होता है, कैसे आता है टेबल आप जानते हैं कि नहीं, क्या होता है उसका बेसिक यही होता है, जिसका टेबल निकालना होता है उसमें आप पहले वन का, फिर उसमें टू का, फिर उसमें थ्री का, ऐसे आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यही इसका बेसिक होता है टेबल का। जब हम टू किया फिर फोर हुआ, फिर यहाँ सिक्स हुआ, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसी का ये मल्टीप्लाई है, ये होता है इसका बेसिक, ये टेबल का बेसिक है और पीएमटी का बेसिक ये है, दोनों समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, जो आज हमको पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है टेबल एरे। इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज हम तब करते हैं, लिखा हुआ है डाटा टेबल इज अ वे टू सी डिफरेंट रिजल्ट्स बाय अल्टरनेटिंग एट द इनपुट सेल इन द योर फार्मूला, एक ही फार्मूला के अंदर जब आपको निकालना होगा डिफरेंट रिजल्ट, एक ही फार्मूला से जब एक से अधिक रिजल्ट चाहिए, जैसे आपको एक रिजल्ट चाहिए कि आपको करना है पांच में दस जोड़ना है जी, अब ये पांच में दस जोड़ना है तो बराबर आपको 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि इसी फार्मूला को ना या इसी एक्टिविटी को कई बार करना है। जैसे आपका होता है टेबल निकालना, टेबल काउंट करना, टेबल में क्या होता है, ये टू टू आपका रहता है हमेशा और इसी के अंदर वन टू थ्री फोर एक ही काम को क्या कर रहे हैं हम लोग, बार बार कर रहे हैं। जब एक ही काम को बार बार किया जाता है तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक हमारे पास टूल्स है जिसका नाम है डाटा टेबल, इससे हम लोग सिंपल से निकाल लेंगे, ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, क्या है ये डाटा टेबल इज, हो गया नोट, नोट कर लीजिए, लिखिए वहां पे, लिखिए डाटा टेबल, डाटा टेबल
हो गया डाटा टेबल इज अवे टू सी डाटा टेबल इज अवे टू सी डिफरेंट रिजल्ट बाय एंटरिंग एन इनपुट टू सी पर देखिए वे टू सी डिफरेंट रिजल्ट बाय एंटरिंग एन इनपुट by an input. An input cell in your formula. आपके सेल का जो फार्मूला जिसे आपने जिस सेल का आपने फार्मूला लगा रखा है उस फार्मूला के द्वारा आपको कई तरह के नंबर ऑफ जो रिजल्ट्स है ना वो मोर देन वन है एक से ज्यादा बार एक ही प्रोसेस को कई बार करना पड़ रहा है उसको हो गया इन द योर फार्मूला यहां तक हो गया अब इसको बनवा दे टेबल हाँ बस दो लिखना है कॉलम इनपुट सेल और ओके चलिए इसका ये सब खत्म कर दे रहे हैं इसको आप जान रहे हैं पहले से इसके पहले आपको सिंपल सा करेंगे प्रॉब्लम हमारा ये है टू प्रिंट टेबल टू प्रिंट ये क्वेश्चन है टू प्रिंट टेबल बाय डाटा टेबल ये इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको डाटा लिखा है डाटा टू प्रिंट टेबल बाय डाटा टेबल के माध्यम से हमको टेबल प्रिंट कराना है हाँ कैसे लिखेंगे उसको आप इसको देखिए लिखने का ना ये प्रोसेस है तरीका है उसी को करेंगे तभी आएगा अगर आप कहीं लेवल इनपुट करेंगे तो नहीं आएगा ना इसका एक फॉर्मेट है फॉर्मेट नहीं करेंगे जैसे आप ना हमेशा क्या होता है हमारा जो वर्कशीट होता है ये वर्कशीट हमारा पूरा नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो में डिवाइड होता है ये सबको हम पहले से करते आ रहे हैं ना इसमें जैसे आपका ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा देन ई होगा और इसी तरह से हमारे रो होते हैं इसमें आर हो गया देखिए क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रो इनपुट और कॉलम इनपुट इसमें आपको रो इनपुट और कॉलम इनपुट ध्यान रखना होगा कौन रो है कौन कॉलम है रो सीधा सीधा होता है जी रो आपका होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है ये हमारा रो है रो वन रो टू जो आप कह सकते हो और ये हमारा कॉलम है ना कॉलम वन कॉलम जो भी आप कह सकते हो कॉलम वन कॉलम मीन्स हमारा जो वर्टिकल है वो कॉलम है और जो हॉरिजॉन्टल वो रो है अब करना है क्या आपको आपको जब भी जैसे टेबल लिखना है आपको ना ऐसे मैं बना लूंगा पहले ये मैं रो हो गया ये रो में रो वन टू थ्री फोर एंड फाइव जो भी आ गया है
इसके बाद आपको ऐसे लिखना होगा इसमें कि एक कार्नर सेल बचना चाहिए, एक कार्नर सेल कहीं से, ऐसा नहीं कि आप टॉप से लिखो, कहीं से भी लिखो। जैसे हमको क्या करना है, हम जनरली क्या करते हैं ताकि वहां उसका आउटपुट आ जी, टेबल कैसे लिखते हैं हम लोग, टेबल में जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 10 हो गया, ये लिखते हैं। ऐसे आपको यहां पे 2 का लिखना है तो 2 का करेंगे सब में मल्टीप्लाई, है कि नहीं, और अगर 3 का करना होगा तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे। अब जो 2 का 2 का इनटू करेंगे जो आउटपुट आएगा लिख देंगे आप, ऐसे करते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये जो नंबर है ना, ये सीरियल नंबर है, इसको आप पहले यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 ऐसे आगे लिख लेंगे आप, है ना, 10 तक होता है। हाँ 10 तक होता है जनरली, वैसे आगे बढ़ा सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और तो आप 10 तक ले जाएंगे। अब इसके बाद इधर है किसका टेबल चाहिए, उसको आपको यहाँ लिखना होगा। 2 का चाहिए तो पहले 2 लिखेंगे, 1 का टेबल चाहिए तो 1 लिखेंगे आप। 2 का टेबल चाहिए जनरली वो वाला 2 का लिखते हैं, तो 2 का लिख लिया, फिर 3 का लिख दिया, 4 का, 5 का। अब इसके सामने जो टेबल आएगा ना वो 2 का टेबल आएगा, और यहाँ पे आएगा जो 3 का टेबल आएगा, है ना। अगर हमको करना होगा तो इसमें क्या मैनुअली कैसे करेंगे हम, मैनुअली यहाँ आएंगे इक्वल टू लगाएंगे, और ये हो गया बी और ये हो गया 2, है कि नहीं। तुम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा अगर 2 को नहीं करना है तो फिर यहाँ 2 से स्टार्ट कर दीजिए। आप चाहते हो कि 1 ना आए, यहाँ पहले से ऑलरेडी 2 है लिखा हुआ, 2 पहले हो या इसको कंफ्यूज ना, यहाँ पे आपको 1 2 लिखिएगा, पहले 1 2 लिखिए, ये बता रहा हूँ, उसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो हमारा है ना, ये ऊपर जो है ये, और जो इधर है ये आपका आउटपुट नहीं है, ये हमारा आउटपुट नहीं है। लेकिन जो आउटपुट आने वाला है अकॉर्डिंग टू रो और अकॉर्डिंग टू कॉलम, जो कॉलम में रो में है उसी के अनुसार आने वाला है। मतलब हम एक वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, एक वैल्यू यहाँ से उठाएंगे। टेबल में बता रहा हूँ टेबल कैसे लिखा जाता है, टेबल एक्सेल टेबल कैसे लिखा जाता है वही मैं बता रहा हूँ। कैसे आप लिखेंगे, मैंने यहाँ कर लिया, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ करेंगे A2 लिखेंगे, ये A2 हुआ, है कि नहीं, सॉरी B2 हुआ, हाँ ठीक है ठीक है, ए इसको लेंगे, इसको 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 लेंगे, ये हमारा क्या है A2 है, A2 मल्टीप्लाई B1, ये समझ में आया जो मैं लिखा हूँ, समझ में नहीं, पहले समझ लीजिए इसको। इसमें क्या आउटपुट आएगा, इसमें 2 आएगा, ऐसे आप कुछ लीजिएगा ना, यही बेसिक यही से स्टार्ट, इसका आउटपुट 2 आएगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय C2 C2 है ना, C1 में 3 है, छोड़ देंगे, अच्छा और C1 C1 करेंगे ना। अब क्या हुआ, ये A2 यहाँ से लेगा, 1 को उठाएगा, और यहाँ से किसको उठाएगा, 3 को उठाएगा, और उसको आपस में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, 3 बन गया, 3 आ जाएगा, देख लीजिए ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, हमको लगा बस 2 और 1 में इंटू किया, हाँ इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें आप बताइए, पहला वाला, पहला वाला क्या है, A2 है ना, A2 किसको करेगा, वो इसको करेगा, हाँ फिर B1 है, 2 उठाएगा, तो 2 बन गया, 2 हो जाएगा, समझ में आ गया ये, है ना। ऐसे हम लोग जब एक्सेल में जाएंगे टेबल बनाएंगे तो अगर आपको बाई ये रेफरेंस लिखना होगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर वैसे आप मैनुअली 1 2 कर देंगे, 1 × 3 कर दूंगा वैसे आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हो नहीं हम लोग बाई से ड्रैग हम नहीं करेगा अभी ना, ठीक है नहीं बता, उसको आप छोड़ दीजिए, वहाँ ना जाइए, जहाँ वहीं पर बताते पहले, ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको ऐसे करना है। अब ये इसमें आप लोग देख रहे हैं ना, कुछ चीजें कॉमन है, एक ही चीज को हमको बार बार करना पड़ रहा है, जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो डिफरेंट टाइप का आ रहा है, लेकिन जो प्रोसेस है वो क्या है, इनपुट सेल इन योर फार्मूला, जो फार्मूला में सेल किया वो एक ही है। इसी को हम लोग ऐसे अगर आपको लिखना होगा तो आप कितनी बार करेंगे, है कि नहीं, बताओ आपको हर सेल में जाना पड़ेगा, हर सेल में डालना पड़ेगा, ब्रेक ड्रैग कर देंगे आ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन ये तो डालेगा ना इतने हर एक में जाकर के, है कि नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेसर डाटा टेबल, इसका यूज कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग ऐसे बना लेंगे, हो गया। इसके बाद आप कर्सर को इसमें रखेंगे, कर्सर को वहां रखेंगे और पूरे एरिया को रख करके पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा एरिया आप सेलेक्ट कर लेंगे,
पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप जाएंगे डाटा टेबल में, ये कहाँ मिलेगा, डाटा के अंदर मिलेगा। डाटा के अंदर जाएंगे आप, वहाँ मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, उसके अंदर आपको मिलेगा डाटा टेबल। ऐसे हम लिखे हो वहाँ पे, स्टार्टिंग लिख चुके हैं कहाँ मिलेगा, या तो डाटा के अंदर मिलेगा है ना, वहाँ फार्मूला के बाद है डाटा, उसके बाद मिलेगा वो, वहाँ आप जाएंगे तो ये आपको टूल्स मिलेगा। उस टूल्स को जब उसको ओके करेंगे, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो मिलेगा। इस विंडो में आना है, इस विंडो में करना है क्या, अब यहाँ पे इसके पहले आपको क्या होगा लेना होगा, ये ऐसे नहीं लिखना होगा इसमें है ना। देखिए प्रोसेस देख लीजिए, प्रोसेस क्या है, फर्स्ट सबसे पहले आप टेबल एरे बना लेंगे, ये टेबल एरे बन गया ऐसे। फिर सेकेंड आप करेंगे जो आपका ये कार्नर वाला सेल है ना, कार्नर सेल में जाएंगे आप, वहां क्या लिखेंगे, कार्नर सेल के अंदर आप लिखेंगे इक्वल टू, इसमें जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला वहां लिख देंगे। नहीं जो यहाँ होता है उसको देखिए, सेट वाला भी छोड़ दीजिए है ना। सबसे पहले आप टेबल एरे पर बना लेंगे, इसको बन गया जी। उसके बाद आपको जाना है कार्नर सेल पे, ये कार्नर सेल है, यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ हमको लिखना है इक्वल टू, इक्वल टू के बाद आप कोई भी दो ब्लैंक सेल डाल दीजिएगा। टेबल एरे होता है, टेबल एरे पढ़ चुके हैं, टेबल एरे आपका जिस स्ट्रक्चर में वो डाटा इनपुट कर देते हैं ना उसको टेबल एरे कहते हैं। इसमें कम से कम दो कॉलम होते हैं, आप लिखे होंगे गोल सेक में टेबल एरे के बारे में लिखे हैं है ना, उसमें तीन ऑप्शन लिखे होंगे, एक लिखे होंगे हाँ रेंज में आता है, बट वो रेंज उसको नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे द फॉर्मेट इन विच स्टोर डाटा दैट इज मोर देन टू कॉलम, जिसमें कम से कम दो कॉलम हो और उसके अंदर डाटा इनपुट किया हो, उसी को हम लोग टेबल एरे कहते हैं। ऐसे ब्लैंक रहेंगे उसको टेबल एरे नहीं कहेंगे है ना। अब यहाँ आ जाइए, सबसे पहले क्या करेंगे आप टेबल एरे क्रिएट कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद कार्नर सेल पर जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जो टेबल का होता है फॉर्मूला वही लिखेंगे, मीन्स हमको यहाँ लिखेंगे हम लोग जो ए है, कोई भी ब्लैंक सेल का लिख लेंगे, इसके रेंज से बाहर का कोई भी सेल है ना। जैसे मैं कर रहे हैं यहाँ पे मैंने B11 कर दिया, B11 और इनटू ये हो गया रो, ये क्या हो गया रो, और कॉलम में क्या करेंगे ठीक उसके नीचे B2 कर दिया और यहाँ पे B12 कर दिया, B11 और B12। ये क्यों करेंगे, ये आप कोई ब्लैंक सेल होगा, कोई ब्लैंक सेल होगा, इसको सुन लीजिए ध्यान से कैसे क्या करना होगा। सबसे पहले आप टेबल एरे बना लेंगे, ये बनाने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है ना, इसको बनाते समय पर ध्यान कर देना है, ये ध्यान देना है कि ये आपका एक ब्लैंक सेल यहाँ होना चाहिए, ऐसे कार्नर सेल बनना चाहिए, ये बनाते समय ये ध्यान देना है ठीक है। ऐसा नहीं जिसको आप वन को यहाँ लिख दीजिएगा है ना, वहाँ दो से लिखे वहाँ वन क्यों नहीं लिखे, अरे टू का टेबल में बनाना है आपको, वन का टेबल तो बनाना नहीं है, तो वन का टेबल बनाएंगे तो वन यहाँ लिख दीजिए, तो वन का टेबल आ जाएगा, वन 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 या टू टू, वन या टू वन या थ्री वन या फोर, पहले से तो है, तो है ही पहले से ना, इसलिए आपने टू लिख दिया ठीक है। जो कंप्यूटर पूछ लीजिएगा ना, टू का फिर टेबल है, फिर थ्री का टेबल, फोर फाइव आगे जो चाहिए लिख दीजिए ठीक है। और इसको जनरली टेन तक ले जाते हैं है ना, टेन तक अपने जाएंगे, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसको बस ऐसे लिखिएगा कि एक कार्नर सेल यहाँ मिलना चाहिए आपको, पहले जब ऐसे ले लेंगे कार्नर बन जाएगा, जब ये बन जाएगा तो इसमें करेंगे क्या जाकर, इसमें आप क्या करेंगे, कोई दो ब्लैंक सेल का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई भी दो सेल का हाँ, लेकिन ब्लैंक हो इस एरिया के अंदर ना हो, ऐसा नहीं कि आप D4 ले लो आप या D10 ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कर दिया, B11 कर दिया, मतलब यहाँ क्या है बी होगा टेन तो होगा इलेवन तो खाली रहेगा है कि नहीं, तो बी कोई भी दो ब्लैंक सेल ले लीजिए और ठीक अल्टरनेट हो है ना, क्योंकि एक रो एक कॉलम दिखाएगा, एक रो और एक कॉलम दिखाएगा, दो आपने ले लिया। अब तीसरा क्या करेंगे आप, अच्छा इसको यहाँ पे लिख करके एंटर कर दीजिए, इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे एंटर कर देंगे ना, इसको लिखना कहाँ है, इसको इसी में लिखना है, छोटा है इसमें आएगा नहीं, इसलिए मैं वहां लिख दिया, क्लियर हो गया। अब इसको लिखने के बाद एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टेबल एरे को, सेलेक्ट
टेबल एरे जी एंटर कर देगा, इसमें आपको कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं, इसमें आपको इसमें जो मिलेगा ना वो डिवाइड ऐसे ऐसे मिलेगा, कुछ नहीं बस वैसे डिवाइड एरे ऐसे ऐसे मिलेगा, उसको थोड़ा नहीं वैसे आउटपुट नहीं आएगा, कुछ आएगा भी नहीं क्योंकि तो ब्लैंक सेल कहाँ से आएगा, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे आप, सिलेक्ट टेबल एरे इसको पूरा कहाँ से, जहाँ से ये बना हुआ कॉलम यहाँ से लेकर के जो लास्ट होगा वहां तक, लास्ट मतलब पूरा इधर विंड वाला नहीं, जितना तक लिखना जी, जैसे 5 का टेबल है तो 5 का, 10 का है तो 10 तक, 20 है तो 20 का, 20 का 10 नीचे तक, है कि नहीं। इसको पूरा सेट कर लेंगे, इसमें लिखा टेबल एरे को, इसलिए यूज कर दिया गया टेबल एरे, मतलब जो अपन डाटा होगा सिर्फ वही। उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 है, अब आप जाएंगे देन आप 4 में जाएंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा मेनू में जाएंगे आप, डाटा मेनू के अंदर मिलेगा डाटा लिखिए, आप डेट लिखे हैं, डाटा मेनू में जाएंगे, वहां आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, है ना, तो मैं 60 में लिख दे रहा हूं व्हाट इफ एनालिसिस, वहां जाकर के आप व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा डाटा टेबल, इसको आप एंटर करेंगे, जब एंटर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इसमें से एक रो दिखाना है और एक कॉलम दिखाना है, पहले यही करिए, किसी को भी रो किसी को भी कॉलम दिखा दीजिएगा, आगे हम लोग इसमें आएंगे पीएमटी में आएंगे तो आपको बताएंगे कि किसको रो किसको कॉलम दिखाना है, ठीक है। इसमें आप अच्छा 4 वाले में क्या करना है, अभी तक हम लोग उसमें मेनू जानते हैं, ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है मेनू, उसमें क्या सबसे पहले मेनू कौन सा होता है, होम, उसके बाद क्या होता है इंसर्ट, उसके बाद क्या होता है चलिए जो भी होता है, लेकिन एक फार्मूला है ना, एक फार्मूला जिसको आप पढ़ लिए हो, उसी के आगे है डाटा, जी उसी के आगे डाटा है, डाटा में आपको मिला होगा व्हाट इफ एनालिसिस, जिसमें आप गोल से किए होंगे, ठीक है। अब उसमें जहां आपको व्हाट इफ एनालिसिस में अब जहां गोल से था उसी के ठीक नीचे होगा डाटा टेबल, वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डाटा टेबल विंडो आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो हम लोग रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल में आपका जो भी मर्जी करे B11 या B12 क्लिक करेंगे, जी क्लिक भी कर सकते हैं लिख भी सकते हैं, ये जब भी जाएगा तो रिफरेंस का रहता है, ये रुझान भी करते हैं, है ना, यहाँ पे B12 और B11 कहीं भी आप लिख सकते हो, वहां पे 12 यहाँ 11 यहाँ कहीं भी आप अभी हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे पीएमटी या और दूसरा पीरियड बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कहाँ पे रो कहाँ पे कॉलम रहेगा, समझ में आएगा ये, बस इसको जनरली ओके कर देना है, सिंपल ओके आप कर देंगे, इसको फिफ्थ में क्या करेंगे आप ओके कर देंगे, जैसे ओके करेंगे इस टेबल में नंबर भर जाएगा सब में, समझ में आ गया। लेकिन ये जो है जो जिसने बनाया है इसको टेबल लिखने के लिए नहीं बनाया है, इसे बड़े बड़े जो कैलकुलेशन होते हैं जैसे आपका, अच्छा समझ में आ गया ये, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है जैसे अभी होली आने वाली है, ठीक है, या बसंत आने वाला है, बसंत के दिन सब लोग बाइक खरीदते हैं, शुभ मानते हैं जी यहाँ पे हम लोग यहाँ, तो उसमें हो गया चीज ठीक है, बसंत में खरीदना तो है लेकिन सबके पास फुल अमाउंट तो होगा नहीं, है ना, ये प्रॉब्लम आएगी, सबके पास फुल अमाउंट नहीं होगा, जब फुल अमाउंट होता भी है तो लोनिंग करते हैं, इसलिए कि हमको इनकम टैक्स से बच जाते हैं, हमको इसलिए लोनिंग कर लेते हैं जनरली, तो इनकम टैक्स से बच जाते हैं। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे हैं जी, 2, 4, 6, 7 लोग हैं, लोग कहते हैं इनकम टैक्स कर देते हैं, हाँ उसको दिखा देते हैं इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स नहीं कटता है हमारा सैलरी से ना। अच्छा यहाँ हम लोग 7 लोग हैं, ठीक है 7 लोग हैं, अब हम लोग गए ठीक है किसी अच्छा सा मोबाइल आ गया मार्केट में, है ना 5G वाला आ गया, ठीक है अब हम लोग 7 लोग चाहते हैं कि उस मोबाइल को ले लें, 7 लोगों के पॉकेट में बराबर मनी तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो मतलब उस पर एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं, है ना कहीं और एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो मान ले सपोज कि ये मोबाइल हमारा जो है कि 50,000 का है भी, ठीक है हम 7 लोग ना दुकानदार के पास पहुंच गए, बोले भैया ये 50,000 का मोबाइल है, इन्होंने कहा ना कि मैं तो सिर्फ 10,000 दे पाऊंगी, इन्होंने कहा कि मैं 12 दे पाऊंगी, ठीक है उन्होंने बोला जी ना सब लोग क्या किए, कोई 10 कोई 8 कोई 11 कोई 50 सॉरी 50 कोई 40 सब लोग अलग अलग करेंगे,
कर दिए, ठीक है, ये तो सबका अलग अलग हो गया। अब इसका जो लोन अमाउंट होगा 50 में घटाएंगे सबका अलग अलग हो जाएगा लोन अमाउंट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जिन्होंने ना जी 40,000 दिया है उसके लिए मैं केवल 5% ब्याज या उसको मैं 0% पर ब्याज पर दूंगा, हाँ वो भी चला कह रहा है कम अधिक से अधिक पैसा आ जाए, तो कह रहा है जो 40,000 से अधिक जो पेमेंट किए हैं उसको मैं 0% के ब्याज से दूंगा, और जिन्होंने 30,000 दे रखा है उसको मैं 5% लगाऊंगा, और जिन्होंने 20,000 दे रखा है उनको मैं 10% लगाऊंगा, है कि नहीं। अब बताओ आप इंस्टॉलमेंट कैसे निकाल। अच्छा सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है सबको कहते थे 20 महीने में देंगे जी, सब लोग कहते 20 महीने का हमारा इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, एक उसमें फिक्स करना पड़ेगा हमको चाहे जो फिक्स कर लें, है ना, एक हमको फिक्स करना होता है, ये सर टर्म सबका 20 महीने हो गया, लेकिन सबको कह रहे हैं 20 महीने में देना पड़ेगा जी, और ये हमारे पास प्लान है, तो जिसके पॉकेट जितना पैसा होगा वो उस प्लान को ले लेगा। अब जो इसका इंस्टॉलमेंट आएगा सबका डिफरेंट आएगा नहीं आएगा, आएगा डिफरेंट, क्योंकि भाई इनको 5% मिला उनको 10% मिला है, ये 30,000 दिए हो 20,000 दिए है, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो पहले आप इसको बना लो, टेबल बना लो, उसके बाद हम लोग वहीं पे बता देंगे कि बड़े प्रोजेक्ट आप कैसे बनाओ। क्लियर हो गया, कुछ पूछना है इसमें किसी को जरा टेबल के बारे में? कौन वाला कोड नंबर? एक एनालिसिस मिलेगा, दूसरा गोल सेट मिलेगा, तीसरा डाटा टेबल मिलेगा, इसको क्लिक कर देना बस खुल जाएगा। हाँ इसमें ब्लैंक सेल ही भरेंगे, जो आप यहाँ ब्लैंक सेल लिए होंगे ना सारे ऊपर रखने के लिए वही भरेंगे। हाँ वो एक इसका एड्रेस भर दीजिएगा, इसके अंदर जो ब्लैंक सेल लिखे होंगे उसका एड्रेस भरिएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये तो एक ही है और यहाँ आपको दो चाहिए। सर ऐसा लिखा जाए तो वाला खाली रहेगा ब्लैंक? ये वाला खाली रहेगा, ये खाली क्यों रहेगा? इसमें इसको भरेंगे भैया, उसमें भरेंगे इंटर कर देंगे जो लिखा है, जो आउटपुट आ जाएगा ना वही। आउटपुट में हमको इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, इस लाइन से कोई मतलब नहीं, आउटपुट से आउटपुट आने के बाद हमको उस लाइन से कोई मतलब है, हमको सिर्फ टेबल चाहिए 2 का 3 का 5 का 10 का जो भी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ इससे मतलब ये रहेगा अगर आप चाहते हो 3 को 13 का टेबल बना दूँ तो आप ओवर लिखेंगे तो 13 का बन जाएगा। हाँ आपने आपने 50 तो 50 टेबल बन जाएगा। ये लाइन से भी कर सकते हैं, क्या होता है अगर बोला टेबल टेबल वाला पेज खोलो तो आप क्या करते हो? एक पेज में सारा टेबल होता है नहीं, 2 से लेकर 20 जो भी रहता है, ऐसा नहीं सिर्फ एक लाइन एक में एक लाइन वहाँ, ऐसा तो होगा नहीं, तो आप एक भी कर सकते हो, आप एक ही बनाओ बस, है ना, बस इतना ही करो, इधर छोड़ दो। और कुछ पूछना है इसमें? इसको एक बार और देख लीजिए, यहाँ वाला यहाँ क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप टेबल एरे बना लेंगे, इसको बना लिया, दूसरा क्या करेंगे कार्नर वाले सेल में जाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे कार्नर सेल आपको मिलना चाहिए, यहाँ गए हम लोग यहाँ के अंदर वो सेल फॉरवर्ड डाल दिए, ये वाला कोई ब्लैंक सेल दो आपस में, ऐसे ही क्यों डालते हैं, क्योंकि जो हमको टेबल बनाना है उसका फार्मूला में किसी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, उसका बेसिक यही है। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, प्लस क्यों नहीं करते, प्लस आप कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई से ही आता है, और कोई दो होना चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए, है ना, जो एक रो को बताए एक कालम को बताए। अच्छा सर क्यों खाली ही लेते हैं हम लोग ये वाला? नहीं जो कालम लेंगे, हाँ ये सब, ये सब, हाँ ये सब में आपको नहीं पता है ना कि 2 × 2 कितना होता है, वो नहीं कर रहे जो B11 है, B12 है। अच्छा वो खाली क्यों लेते हैं? खाली इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमेशा चेंज होगा, है ना, 2 के बाद 3 आएगा ना, तो अगर उसको हम लोग फिक्स कर देंगे 2, तो 2 का टेबल क्यों निकालेगा? तो सब उसको देखें, अगर उसको आप खाली नहीं लेंगे ना, उसमें आप किसी भरे किसी का ले लेंगे, 5 का ले लेंगे, तो ये जो इसमें सेल होगा इसी का मल्टीप्लाई कर देगा। अब नहीं, अगर इसको आप इसके अंदर का ले लेंगे ना, तो इसी वैल्यू को उठा करके मल्टीप्लाई कर देगा और इसमें फिर वैल्यू डाल देगा, इसलिए इसको खाली लेंगे। हाँ
क्योंकि खाली रहेगा तो उसमें हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे आपने कह दिया कि 5 × 10 तो आपका ये वैल्यू फिक्स है, ये फिक्स है, लेकिन मैंने किया कि x प्लस y ये क्या है, ये कभी फिक्स हो ही नहीं सकता। हाँ जितना मर्जी चाहो उसका x का मान मांगो, जितना मर्जी चाहो उतना y का मान मांगो। अब आप कहो कि 5 को आप 10 मान लो तो आप वो तो रीजनिंग का सवाल है, उसको आप 10 मान कर लगा सकते हो, लेकिन ऐसे हम लोग व्यवहारिक नहीं लगा सकते ना, है कि नहीं, कि 5 को 10 मान के मल्टी कैलकुलेशन कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आप x प्लस y है इसको आप कर सकते हो क्योंकि ये चेंज है, अगर आप कोई वैल्यू रख लो क्योंकि इसी से बनता है आपका ये, है कि नहीं। तो अगर किसी वैल्यू अगर इसको हमको निकालना होगा तो इसको सॉल्व करके इसको रख दीजिए, सिंपल से आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसीलिए उसको पढ़ाया जाता है कि आपको इसको करने में बहुत कठिनाई होगी और उसको करने में फॉर्म रख देंगे आ जाएगा, तो वहाँ नहीं आए इसलिए उसको हम लोग खाली रखते हैं कि जो भी चाहेंगे वैल्यूज में आप दूसरा देख। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे आप आपका घर को फिक्स कर देंगे, अब आप चाहते हैं कि जो 5 लिखा है जो 3 लिखा है यहाँ पर 13 का टेबल आ जाए, तो जैसे ही 1 डालते एंटर करेंगे 13 बन जाएगा, अगर फिक्स रहेगा तो कैसे होगा, इसीलिए खाली रखते हैं। और किसी को जानना है कुछ इसमें, जो भी सेल उसका जो भी लिखा है जी, अप्लाई करने के बाद जैसे मैंने सिंपल सी बात होती है कि आपने एक सेल है, ठीक है, एक सेल ये है और दो सेल आपका यहाँ है यहाँ पे, इसमें अब यहाँ पर भी है हमारी ये ए है, ये बी है और ये वन है, तो इसमें इक्वल टू करके आपने ए वन मल्टीप्लाई बाई बी वन कर दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया, तो इसमें क्या आएगा, हमेशा जो इसके अंदर होगा वही ना आएगा। यहाँ पर अगर आपने 5 डाल दिया या 10 डाल दिया तो इसका आउटपुट क्या होगा, 50 होगा। इसको हमने अगर 15 किया तो ये 150 हो जाएगा, वो नहीं होगा, इतना जानते हम लोग ना, तो यही से भी आप ये हमेशा इसका आउटपुट हमारा डिपेंड कहाँ करेगा, इन दोनों के वैल्यू के ऊपर करेगा, क्योंकि ये फार्मूला वाला है और ये वैल्यू है, दो वैल्यू को आपस में फार्मूला को एंट्री करा दिए हमने और जो फार्मूला रहेगा, और यह फार्मूला अगर आपने प्लस डाल दिया है तो हमेशा ये प्लस होगा या 25 आएगा, इसको आपने माइनस कर रखा है तो 15 में से 10 घटा दे जाएगा, इसको आपने डिवाइड कर रखा है तो 15 में 10 का भागा दे जाएगा। तो ये फार्मूला है, इसका रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये आपका फार्मूला है, ये डिपेंड कहाँ करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और कुछ जानना है, अब आप जाइए वहाँ सिस्टम पर चलिए, पहले इसको बनाइएगा, सब लोग पहले बनाएंगे ना, अलग अलग बना लीजिएगा, फिर करेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं एक एक करके हम लोग उस पर बात करेंगे, समझ में आ जाएगा, इसको कर लेंगे तो बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है।